Care Preschool online class and this class for my LKG kids. Today's subject is English. Handwriting skills. बच्चों आज हम handwriting skills करेंगे. Means की आपको miss 3 lines देगी. उस lines को आपको घर में school की classwork and homework both copy में लिखनी है. Okay? और handwriting skills. Handwriting skills क्यों करवाया जाता है? इससे आपकी आपके बच्चों की handwriting इम्प्रूव्ड होती है. मतलब बच्चों आप तो अभी छोटी क्लास में हो, आप बड़े क्लास में जाओगे तो आप अगर हैंडराइटिंग स्किल्स करते हो तो इससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होती जाएगी. सो अपने हैंडराइटिंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें हैंडराइटिंग स्किल्स करनी पड़ती है, इससे बच्चों आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी. सो हमें इसलिए हैंडराइटिंग स्किल्स करनी चाहिए. सो पेरेंट्स, जो मिस 3 लाइंस दी हुई है आपको, 3 सेंटेंस दी है मिस आपको, उसे बच्चों की क्लास वर्क एंड होमवर्क बोथ कॉपी में फॉर्मेट बना के देनी है. फर्स्ट लाइन में आप बच्चों को लिख करके देंगे और बच्चे उसी का देखते हुए पूरे कॉपी को कवर अप करेंगे और इससे उनकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी. सो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है. किड टेक्स अ सिप. किड टेक्स अ सिप. एक बेबी है, एक किड है जो चुस्की ले रहा है. चाय की चुस्की हो सकता है, कॉफी की चुस्की हो सकता है, वाटर की चुस्की हो सकता है. आपको इस सेंटेंस को बच्चों की कॉपी में अच्छे से फॉर्मेट बना के देनी है ताकि बच्चे उसे समझ भी सके और लिख भी सके. इसे आपको आपकी गाइडेंस में करवानी है स्कूल की क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी में, एक एक पेजेस में. इसे आप फर्स्ट लाइन में लिख करके देंगे और बच्चे उसे पूरे पेज में कवर करेंगे सेम प्रोसेस यूज करके क्लास वर्क एंड होमवर्क बोथ कॉपी में. सो चलिए देखते हैं सेकंड सेंटेंस क्या है. आई सिट इन अ पिट. आई सिट इन अ पिट. मैं बैठी हूँ एक पिट के अंदर. ओके, इसे भी पेरेंट्स आपको बच्चों की, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कंप्लीट करवाएंगे क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी में. देन सेकेंड आप इस सेंटेंस को लेंगे और इसे भी दूसरे पेज में ऊपर आप लिख करके देंगे फर्स्ट रो में. देन बच्चे उसे देखते हुए कवर अप करेंगे, उसे देखते हुए पूरी कॉपी करेंगे. ठीक है, फर्स्ट एक दूसरे पेज का सेम वही प्रोसेस का यूज करते हुए क्लास वर्क कॉपी में भी सेम आप फॉर्मेट बना के देंगे और बच्चे पूरे एक पेजेस में उसे कवर अप करेंगे. देन थर्ड सेंटेंस इज माई बेड इज रेड. माई बेड इज रेड. माई बेड इज रेड. सेम जैसे आप ये दोनों सेंटेंस को करेंगे तीसरे सेंटेंस को भी आपको सेम वैसे ही करनी है. आप तीसरे पेज पे बच्चों को सेम ऐसे फर्स्ट रॉ में आप लिख करके देंगे और बच्चे उसे देखते हुए पूरी तरह से पेज को कवर करेंगे. देन क्लास वर्क कॉपी में भी सेम आप वही करेंगे, फॉर्मेट बना के बच्चों को देंगे फर्स्ट लाइन में. देन बच्चे उसे देखते हुए पूरे पेज को कवर करेंगे. सो पेरेंट्स, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपको फॉर्मेट कैसे तैयार करवानी है और बच्चों को कैसे करवानी है. इन तीनों सेंटेंस को क्लास वर्क एंड होमवर्क हर दोनों कॉपी में एक एक पेजेस करवानी है. ये सारे सेंटेंस फोनिक वर्ड से लिए गए हैं. बच्चों आप लोगों ने लास्ट क्लास में फोनिक साउंड वर्ड्स पढ़ा है ना. सो चलिए देखते हैं कौन कौन सा फोनिक साउंड है. के आई डी. यस, आई डी फोनिक साउंड है इसमें इंक्लूड. रिमेंबर किड्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने किया है ना. आई पी. आई एस आई पी सिप. ये आई पी फोनिक साउंड वर्ड है. देन एस आई टी सिट. ये आई टी फोनिक साउंड वर्ड्स है. देन पी आई टी पिट. ये भी आई टी फोनिक साउंड वर्ड्स है. देन ई डी. ये ई टी. बी ई डी बेड. ये भी ई डी फोनिक साउंड वर्ड्स है. ये आर ई डी रेड. ये ई डी फोनिक साउंड वर्ड्स है. सो बच्चों ये सारे जितने भी हैं ये कहाँ से लिया गया है? ये सारे सेंटेंस को फोनिक साउंड वर्ड्स के द्वारा बनाया गया है. सो बच्चों आप लोगों ने लास्ट क्लास में फोनिक साउंड वर्ड्स दिया है और इससे आपकी फोनिक साउंड वर्ड्स और भी इम्प्रूव्ड हो जाएगी. ओके, सो बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर.